सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रॉयल राजपूताना किचन को और इस घंटे बटन को दबाइए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो एवरीवन, द रॉयल राजपूताना किचन में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, जस्ट घर पे बनाने वाले हैं इसे। बहुत क्विक, इजी एंड टेस्टी रेसिपी है, होममेड पिज़्ज़ा है। नहीं लग रहा ना किसी भी एंगल से कि होममेड है, लेकिन हमने इसे घर पे ही बनाया है और माइक्रोवेव में बनाया है। बहुत इजी, क्विक एंड बहुत टेस्टी रेसिपी है। सो इसे आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं घर पे, जब चाहे जब बना करके। तो ये इस पिज़्ज़ा को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन देख लेते हैं कैसे कैसे हम लोगों ने बनाया है ये। तो टॉपिंग्स की बात है तो जो टॉपिंग्स आपको अच्छी लगती है वो टॉपिंग्स ले सकते हैं, मशरूम, पनीर, जो चाहे वो आप टॉपिंग्स में ले सकते हैं। तो यहाँ पे इंडियन स्टाइल पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे। कैसा भी पैन ले सकते हैं, नॉन स्टिक वगैरह कैसा भी। उसमें ऑयल डाल के और गरम करके अच्छे से, और प्याज डालेंगे सबसे पहले। स्लाइस्ड अनियन लिए हैं मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग इसे अच्छे से, इन्हें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉटे करना है, इसे ब्राउन नहीं करेंगे। स्लाइस्ड ग्रीन चिली डालेंगे इसमें यहाँ पे। अब हम एक ही ली थी मैंने, एक या दो ली थी, उन्हें स्लाइस करके लिया है और वो डालेंगे। मैं फिर कह रही हूँ इसे अच्छे से सॉटे करना है, इसे ब्राउन नहीं करना है आपको, क्योंकि फिर सब्जी जैसा टेस्ट आएगा और वो पिज़्ज़ा में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करिए, अब इसमें टमाटर डाल दीजिए। तो इंडियन स्टाइल पिज़्ज़ा, अगर आप होममेड पिज़्ज़ा बेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको इन्हें सॉटे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस जल्दी पक जाता है, इसीलिए इन्हें सॉटे करना है। होममेड जल्दी नहीं पकता, उनके साथ ही सब्जियाँ भी पक जाती है, इसीलिए आप इसे हल्के सॉटे कर ले अगर रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस आप यूज़ कर रहे हैं तो। अब आप इसमें मैगी मसाला, मैंने एक पैकेट डाल दिया है मैगी मसाला का, और इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग अब इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। हाफ आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और आधी छोटी चम्मच नमक का ऐड किया है, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 5 मिनट के लिए पहले मिक्स कर देते हैं अच्छे से 5 मिनट के, फिर इसे 2 मिनट के लिए ढकेंगे हम लोग तो, और फिर उसके बाद में 5 मिनट के लिए सॉटे करने के बाद ही हमारी टॉपिंग्स रेडी हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे सिंपल जो पिज़्ज़ा सी चीज़ आती है मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है, वही यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। डाइस्ड यूज़ किया, बिना डाइस किए मोज़रेला चीज़ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो डाइस्ड या स्लाइस जैसे भी ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ यूज़ किया, और रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। ये पिज़्ज़ा सॉस है, पिज़्ज़ा और पास्ता दोनों में यूज़ आने वाला सॉस है ये। पिज़्ज़ा सॉस को पिज़्ज़ा बेस में डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे हम लोग इसे। ये देखिए, इसे अच्छे से आपको पूरे पिज़्ज़ा बेस पे अच्छे से फैलाना है, एक एक कॉर्नर तक इसे फैलाना है, कहीं ऐसा नहीं अनइवन नहीं करना है, हर जगह इवनली हमें इसे स्प्रेड करना है। तो इस तरीके से इसे स्प्रेड करेंगे हम लोग। तो होप्स आपको वीडियो में थोड़ा क्लियरली दिख रहा होगा ये। तो इस तरीके से इसे स्प्रेड करना है आपको। अब इसमें एक लेयर, नीचे वाली जो लेयर है वो हम लोग लगाएंगे चीज़ की। चीज़ की लेयर इसलिए क्योंकि नीचे भी अच्छे से, मतलब जो हमारी टॉपिंग्स होगी उसमें अच्छे से चीज़ चिपकेगी और बहुत टेस्टी लगेगा अंदर से ब्रेड, क्योंकि हम लोग बस ऊपर डालेंगे तो वो टॉपिंग्स के साथ ही रह जाएगी और ब्रेड में नहीं आती इतनी। तो इसीलिए नीचे की जो उसमें है वो भी हम लोग एक लेयर इसमें चीज़ की डालेंगे। तो देखिए, एक लेयर नीचे अच्छे से चीज़ की बन गई। तो इसे थोड़ा सेंटर में डालें, साइड में ना डालें इसे, क्योंकि वो फिर माइक्रोवेव में नीचे बेकिंग ट्रे में लग जाएगी इस वजह से, है ना। तो इस तरीके से एक लेयर ये प्रिपेयर हो गई। अब मैंने लास्ट में पनीर भी ऐड कर दिया था, टॉपिंग्स में कच्चा पनीर है, कुछ भी फ्राइड व्राइड करके ऐड नहीं किया है। तो इसे अब इस टॉपिंग्स को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और क्योंकि चीज़ हमारी फ्लो में आएगी, मतलब बहेगी माइक्रोवेव में जा करके, तो
इसीलिए चीज़ को जो हो सके तो बिल्कुल ही सेंटर में नहीं, मतलब साइड्स में ज़्यादा नहीं डालना है, और सेंटर में टॉपिंग्स और चीज़ डालनी है आपको। साइड में तो वो अपने आप आ जाएगा, आप देखें वो होगा आपने जस्ट फर्स्ट क्लिप में। एंड अब थोड़ा सा मैं इसमें पनीर थोड़ा सा क्रश करके डाल दूँ, थोड़ा डाइस्ड पनीर है और थोड़ा सा मैं इसमें क्रश करके डाल दूँ। अब ऊपर से एक लेयर इसमें चीज़ की बना दीजिए, अच्छे से एक लेयर चीज़ की बनाएंगे इसमें। ऊपर से आप इसमें पिज़्ज़ा चीज़ सीजनिंग ऐड कर सकते हैं, और यहाँ चिली फ्लेक्स वगैरह जैसे आप चाहे वैसा कर सकते हैं। अब एक देखिए पिज़्ज़ा प्रिपेयर हो गया, बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र भी हो गया। अब इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में हम लोग बेक करेंगे, तो इसे 2 मिनट के लिए बेक करेंगे। देखिए इस तरीके से 2 मिनट के लिए इसे ब्रेक करने के बाद ही हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।